हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर बैकग्राउंड देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। आज है बहुत ही खुशी का दिन। आज के लिए, आज मोनी की खुशी का दिन है, यानी कि सबके तो दुखी है। हाँ, नहीं ऐसा मत बोलो भाई, मायके जा रही है, सबको तो जा रही है। मायके की खुशी अलग होती है और दूसरा तो की जा रही है घर से। तो सबसे बड़ी बात, पहली बार मायके जा रही है बेचारी, जिस मतलब जब से आई है तब से पूछ चढ़ पूछ से चढ़ चैत चैत चैत। हाँ, फागुन में नहीं, अभी मैं आ रही हूँ। फागुन में शादी हुई, फागुन की बात आ गया चैत, चैत में जाना हो नहीं पाया तो उलझी हुई थी, कब से जाने का मन था। तो आज मोनी के लिए, यानी कि छोटी वाली मामी के लिए बहुत खुशी का दिन है। जाते जाते हमें अपने हाथ की अदरक वाली अच्छी वाली चाय पिला रही है। एक्सपर्ट है ये दोनों चाय में, और बड़ी वाली बहुत अच्छा बनाती थी चाय, और उससे भी अच्छी बनाने लगी है। यानी कि अब जो उसको हमने अच्छी चाय बनाने की, अभी तक अच्छी चाय में हम साक्षी का ही नाम लेते थे नंबर वन पे, तो अब हम कह सकते हैं कि अब हम मतलब मोदी भी है उसी लाइन में है ना। तो मैं पीने के लिए हो गई हूँ अब, कभी साक्षी के हाथ की, कभी मोनिका के हाथ। अभी मैं बता, ये देखो ये रो रही है, कल से खुद चाय बना के पीनी पड़ेगी। मैंने भरपूरी में ही ये सुख मांगा था, मुझे चाय कर सकते तो दिया है, ऐसा नहीं है जब तब चाय पिलाया है। मैंने तो चाय बनानी ही छोड़ दी है, सुबह शाम चाय मिलती है मुझे। और चाय पी पी के सब जने देख रहे हो सूखते जा रहे हैं। ये लोग खाना कम खाती हैं, चाय खूब पीती हैं। अभी मिलवाती हूँ सभी की छोटी मामी जी से, देखिए जरा इधर। कैसे हैं आप सभी? आप बताओ आप कैसे हो, कैसा लग रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा, आज तो अलग से ही खिलखिलाहट है चेहरे पे। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मायके जाऊंगी शादी के बाद, है ना? शादी के बाद दो महीने बाद मायके जाने का मौका मिला है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है सच में, बहुत ही अच्छा लगता है ना पहली बार। और देखना ये कुछ दिन जो हफ्ता भी है ना, बहुत जल्दी बीत जाएगा मायके में ऐसे। जल्दी बीत जाते हैं। हाँ, पता नहीं लाइट नहीं आ रही है इसमें, कुछ अलग ही वो है। हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ बन रही है अदरक वाली चाय, क्योंकि छोटे मामा जी भी आ चुके हैं। छोटे मामा जी के साथ ही मैं आई हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनी है, मतलब मायके ले जाने के लिए। क्या क्या बना है जरा बताओ मम्मी। ये है खजूरी, ये खजूरी है, ये है गुड़ की पूरी, ये है दाल की पूरी। ये गुड़ वाली ना थोड़ा सा ही विध के लिए बनाया है, पाँच साल। हाँ हाँ, थोड़ा ही दीजिए। और ये दाल वाली पूड़ियाँ जो है, हम लोगों में बेटी आती भी है तो भी, और बेटी जाती है तो भी, ये दाल की पूड़ी और ये गुड़ की पूड़ी और खजूरी वगैरह ये देते हैं। साथ में मिठाइयाँ है ना, चूरा है, ये सब चीजें हैं। चूरा भी जैसे धान होता हो खेत में। फिर भी मम्मी का मन कुछ खेत से, सब तो पैसे से होता है। गांव में होता था ना कि चूरा मुरही दे देते थे, खेत की चीजें थी। ये देखिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही मजे कर रहे हैं ना, देखिए वृंदावन में कितने सुंदर दर्शन कराए हैं दीदी ने आज। हाय, मेरा फोन छीन लिया था पता है, वहीं पे फोन छीन लिया था पंडो ने। अच्छा, पंडो, तभी तो मैं इतना सही दिखा पाई। हाँ, वो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग करने देते, मैं इसलिए बता रही हूँ। बच्चों ने बहुत अच्छे दर्शन हुए, मगर दर्शन बहुत अच्छे हुए। कार्तिक भी कह रहा था कि बहुत सुंदर दर्शन हुए, बट भीड़ बहुत ज्यादा थी, रश बहुत थी। हम लोग वापस आ गए क्योंकि बच्चे साथ में थे, बच्चों का मन घबरा रहा था, कह रहे थे कि नहीं बुआ मेरा मन घबरा रहा है। रात को फीवर भी हो गया था उसे आने के बाद, उसको फीवर भी हो गया। हाँ, दवाई दे, लेकिन गाड़ी में बहुत मस्ती थी, सबने एसी फुल चल रहा था गाड़ी में, और सब आराम से कृष्ण भक्ति के गीत गाए जा रहे थे। हाँ, और चाय सब तो ये सब चल ही रहा था। बिल्कुल। और यहाँ आए हुए हैं छोटी मामी के पापा जी, ये तो आप देख ही चुकी, और दामाद और आज ससुर मैचिंग हो रहे हैं, लाल लाल होए पड़े हैं, अच्छा लग रहा है लाल कलर। और बुआ कन्या तो चली जाएगी कल, आज कैसा लगेगा? चाय कौन पिलाएगा बेटा? भाभी। भाभी बड़ा देखिए ना, किना रोब से कहे भाभी। पर यहाँ पर दुल्हनिया रेडी हो रही है घर जाने के लिए खिलखिलाहट देखो भाई, रौनक ही कुछ और है ना। हाँ, मैंने बुआ को पूछा कौन देगा चाय, भाभी
उनका बड़ा जोर से बोल रहे हैं भाभी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को दीदी को जरूर फर्क पड़ता है। वो तो अपना फोन में मिसाइल छोड़ बच्चों को फर्क पड़ेगा, बच्चों को चाची जा रही है, चाची जा रही है तो अच्छा लगेगा कि सो बुरा लगेगा भाई। अब नीच छो ना, अब चाची नहीं रहते तो भाई घर में गीला आटा जगह पसेर जाइए पूरे घर में। और आपको कल आपको एक बात बताती हूँ, कल बुआ थे नहीं, चले गए थे आनिया के बर्थडे में गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर बिस्तर लगाया था इन लोगों ने, आज फाइनली आज हम चाची के साथ सो सकते हैं। रात को सेम ड्रामा, आज चाची प्लीज हमारे साथ सो चाची। कल इन्हें मौका मिल गया, दोनों ने मैदान मारा सोने दिया इन लोगों ने, नहीं तो मोबाइल देख रहे होंगे। 12-1 बजे तक तो 1:30 बजे तक हम पूछ गए थे। ये लोग पहले से हो गए थे, मेहंदी लगा रही थी ना, मैं मेहंदी की एक्सपर्ट। हाँ, और मेहंदी दिखाना जरा दीदी, पहली बार ऐसे ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे दिखाओ ऐसे। तो अच्छा लगाया, अच्छा लग रहा है, जैसा भी बहुत प्यार लाल है तो इन्होंने दिल से लगाया है भाई, भाई तो मेहंदी नहीं था ये दिल था। हाँ। तो दिल लाल हो गया दिल से लगाया दिल था। हाँ ठीक है। और साड़ी देखिए, फुल लुक देखो यहाँ पर, ऐसी साड़ी ना हम लोगों के घर में ऑलरेडी बहुत सारी है, पता है। हम लोगों को जो अच्छा लगता है हम ले आते हैं, मुन्नू के पास भी है, रेडी है उसके पास भी, बहुत प्यारी लगती है। मगर कन्या ये याद है मुन्नू के पास रेड है। हा? मगर ग्रीन ब्लाउज है उसका, डार्क ग्रीन। तो मम्मी के पास मजंटा है, हाँ तो हमने ले ली थी तुम्हारे लिए भी। इनका तीनों एक दिन पहनना और फोटो करवाना, अच्छी लग रही है। कोरी साड़ी है ना ये, रेडी है, 7 बज चुके हैं, इनको अच्छा खोइचा देते हैं, खोइचा दो है ना। चलो चाची जा रही है, कैसा लगेगा आपको, बहुत रंगा मजा आता था चाची के साथ। ये तो पूरे दिन चाची के साथ रहते थे ना, धमाल मचाते हुए, ना उसको सोने दिया ना खुद सोए। अब रहना अकेले बेटा है ना। चलो आ जाओ, खोइच ले लो, हैंकी रख लो। हाँ एक है, पूरब दिस भौको भाई सब। और ये निकल रहा है हमारा जतरा, जतरा निकाल रहे क्योंकि टाइम हो गया है। और कुछ भी होता है कि कुछ भी चीज आप बाहर रख दो, हाँ टाइम हो गया है ये। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब बहू और बेटियां जाती है तो खोइच का देने का हमारा रिचुअल होता है, तो खोइचा में ये सारी चीजें हैं। बहू जाती है तो चावल देते हैं और बेटी जाती है तो जीरा देते हैं, है ना मम्मी। तो धान देते, धान देते, धान दे, चावल हाँ, बेटी को धान और जीरा, धान होता है। 5 बार हो गया, अब इसे बांध दो। अच्छे से चाना, बोले चलो ना। अच्छा अच्छा, याद आए लोग कासे बुद्ध। अच्छा 6-7 पैसा ये आंचल में रख लो, गौरी भी मुन्नू के अलग छे। चलो भगवान को गोर लगो अच्छे से, नाम जल्दी से अति छोड़। अरे भाई सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं। स्वागवती बाबा रुको रुको, ये भी लगेगा अब हाथ में लटका लो, खुश रहो स्वस्थ रहो, जल्दी आओ। ठीक है,
हमर मोबाइल के कवर में केश कार्तिक बेटा हमरा हमर मोबाइल के कवर में ना पाई हेते दिया था जे चार्ज पर लगवा दे मैग मैं ये सही है आशीर्वाद तो दे ऐसे नहीं चार्ज ऐसे नहीं दे दिया पूरो नहाओ पोतो फलो फोटो खींचती हूँ यहाँ फोटो सेशन भी हो रहा है चलो मम्मी आशीर्वाद दे लिए कन्या के अच्छा तीनों खड़े हो तो बहुएं बहू के साथ सास बीच में रुक जाओ भर गया है ना भर हो गया मेरा फोटो हो गया फोन लो लिया और एक ग्लास पानी दे देना छोटे ग्लास से बेटा फैन तो ऑन कर दे ही और ये है ब्रीफकेस ये है सामान इसी में खजरी वगैरह सब कुछ अलमारी में रखती है परेशान हो जाते हो आप लोग अच्छा चलो मैं वो बंद कर देती हूँ ठीक है ना कानों लग ले ये तो रोने भी लग जाएगा बहुत इमोशनल है चाची के लिए कार्तिक चाची से मिल लो बाय बाय मार्क्स ला लिया जल्दी मिल मार्क्स लेना हाँ गेट के पीछे लगता हुआ है दही तो बउआ मास्क दे उधर से यहाँ दही खाते हुए जिठानी का प्यार देखो जरा जिठानी भी अब जाने वाली है गर्मी छुट्टी में है आएगी तो एक जन आओ फिर एक जाएगा नीचे तक आप लोग मैं तो नहीं जाऊंगा हम चले ले आए फाइन के लो जाओ लो चले इधर देख अरे कम से कम ये तो बोलो वीडियो अच्छी से आएगी हां जी कौन केशव वीडियो बनाऊं मैं टॉवल लाई हूं आपको दूंगी आशिक फोन ला ले तू चलो पकड़ दो मम्मी का नहीं लाओ मम्मी नीचे नहीं जाए खूब चाउमीन खा लेना ठीक है आपके भाई तो खिलाया नहीं लाला के सुने वो नहीं लाया कभी ना उससे अच्छा पापा को बोलोगे तो पापा को याद रहता है सब कुछ उसको अरे ना हो गया वो कह रहे अब आजाद हो गया वो मैं फिर थोड़े दिन की आजादी है बुआ एक ही हफ्ता हाँ बस यहाँ पर फाइनली जाते हुए जत्रा के रुमाल जी जल्दी मिलते हैं सभी को बोल दो जल्द मिलेंगे यहाँ पे मेरे सारे व्यूवर्स को सब्सक्राइबर्स को सभी को सभी को जल्दी मिलते हैं बउआ किया अच्छे अंदर बैसे बउआ अहाँ किया बैस के ना अच्छा ओके ओके बस बस बाय मुनी हालांकि दिख नहीं रही बहू को छोड़ के आके थोड़ा सा जो छोड़ने जाते हैं वो घर में भी आ जाते हैं ना बहू वहां से वहां नहीं जाते तो इसीलिए मैं आ चुकी हूँ मेरे तो सांस ऊपर हो जाती है चढ़ने में जीना हाँ जी कक्कड़ छे देखी था बेटा